स्टूडेंट्स बहुत ध्यान सुनिएगा, मैं आप लोगों से जो है स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से एक बेसिकली एक बात करना चाहता हूं कि जब भी एग्जाम्स आता है ना, तो दो तीन चीजें हमको जो कि करनी चाहिए। देखिए, एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपका टेम्परामेंट। पता है एग्जाम में क्या चीज चेक होता है? चेक होता है कि आप कितना अच्छे तरीके से उस एग्जाम को देने के लिए तैयारी करके आए हैं। आपकी नॉलेज से ज्यादा भी क्या चीज पूछा जाता है, आपका आपका टेम्परामेंट पूछा जाता है। आपसे सवाल तो ऑब्वियसली वो पूछेगा, आपको आता होगा तभी आप वो सवाल कर पाओगे, मगर वो सवाल आता हुआ भी तो बहुत से लोग गलत करके आ जाते हैं। क्यों गलत करके आ जाते हैं? क्योंकि उनका एग्जाम का टेम्परामेंट सही नहीं रहता, क्योंकि उन्होंने अपने आप को उस एग्जाम के लिए तैयारी नहीं किया हुआ होता। तो अभी से क्या है, अभी अपने लोग फरवरी में हैं, ऑलमोस्ट मान के चलते हैं कि अपना एग्जाम 3 महीने के बाद है, मार्च अप्रैल मई ऑलमोस्ट इसी टाइम पर अपना एग्जाम होगा, राइट? तो बेसिकली अभी भी अपने पास में 3 मंथ्स का टाइम है, और अगर अभी भी हम लोग सही तरीके से अगर करेंगे तो हम अपने लिए वो टेम्परामेंट एग्जाम को वो हैंडल करने का, जो मतलब जो प्रेशर हैंडल करने का जो माइंड चाहिए आपके पास में, वो सब चीजें आप लोग डेवलप कर सकते हैं। तो उसके लिए कैसे करना है ध्यान समझिएगा। एक तो पढ़ाई तो फिर करना ही करना है, बट कुछ लोग देखते हैं कि वो पढ़ाई करते हैं कुछ समय, करते हैं फिर नहीं कर पाते, फिर कुछ समय करते हैं और नहीं कर पाते, राइट? मेरे पास ना एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आप चाहो तो फिर उसको आज से अप्लाई करना स्टार्ट कर दो, राइट? अपना एक शेड्यूल बनाइए, ठीक है? शेड्यूल कैसा बनाएंगे ध्यान सुनिएगा। शेड्यूल कभी भी ये नहीं बनाएंगे आप कि आप आज से 6 घंटा पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ये शेड्यूल कभी भी नहीं आपको बनाना है। आज आप जाएंगे, मैंने कुछ कहा उससे आपके दिल दिमाग में आग लगी, आप यार आज तो 6 घंटा ऐसे पढ़ेंगे, ऐसा कभी भी नहीं करिएगा गलती, राइट? आज से आप जो शेड्यूल बनाएंगे सिर्फ 1 घंटा 2 घंटा, अगर आप नहीं पढ़ते होंगे तो फिर 1 घंटा 1.5 घंटा, आप इस हिसाब से शेड्यूल बनाइए कि आप जो टारगेट अपने लिए सेट करें उसको अचीव कर ले। तो हमेशा टारगेट अपने लिए स्टार्टिंग में ऐसा बनाइए, ऐसा गोल अपने लिए सेट करिए जो कि आप अचीव कर ले, राइट? तो गोल ऐसा अपना होना चाहिए जो कि अपने लोग अचीव कर ले। तो उसके लिए आज आप घर पर जाएंगे, एक अपना एक छोटा एक टारगेट सेट करेंगे। अगर आपने अभी तक पढ़ाई करना नहीं स्टार्ट किया, नेवर वरीज, कोई चिंता मत करिए, अभी भी अगर आप पढ़ाई सही तरीके से करना स्टार्ट कर देंगे, आप मेरे से लिख करके ले लीजिए, आप आराम से पास कर जाएंगे। मगर हाँ, आज से स्टार्ट करना है। तो आज जाते ही सबसे पहले क्या करना है अपने को, एक शेड्यूल बनाना है। अगर अभी तक अपने लोग पढ़ाई नहीं स्टार्ट किए हैं तो आज के शेड्यूल में, मतलब अगले दिन के शेड्यूल में अपना 1 घंटे की पढ़ाई से स्टार्ट होना चाहिए। अच्छा, वे 1 घंटे की पढ़ाई से आप सीए नहीं क्लियर कर लेंगे, तो 1 घंटे की पढ़ाई जो आप जो करना स्टार्ट करेंगे ये आप कंटिन्यू करेंगे फॉर 3 डेज। अब 1 घंटे की तो पढ़ाई अपने लोग मैनेज कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो ये कोशिश करेगा कि एटलीस्ट वो 1 घंटा जो आपने अपने आप को प्रॉमिस किया है, एटलीस्ट वो 1 घंटा सही आप बैठे और 3 दिन लगातार उसको अचीव करें। फिर उसके बाद में 1 घंटे से फिर शिफ्ट करना है क्या, 1.5 घंटे, नहीं एक साथ दुगना भी नहीं करना, 1.5 घंटे धीरे धीरे। एक बार जब आप मोमेंटम में जब आप आ जाएंगे 1.5 से फिर 2, जब आपको लगेगा नहीं आप मोमेंटम में आ गए हैं, हफ्ता भर 10 दिन आपने अपने बनाए हुए टारगेट्स को अचीव कर लिया है, फिर आप अपने आप को एक्सटेंड करना स्टार्ट करेंगे। इनफैक्ट आप अपने लिए टारगेट सेट करें या ना करें, फिर आपका माइंड जो है ना वो खुद ही आपके लिए टारगेट्स फिर वो सेट करना स्टार्ट कर देगा। बट स्टार्टिंग में एक छोटी एडवाइस क्या है कि आप लोग जो है अपने लिए एक शेड्यूल बनाएंगे, एक टारगेट सेट करेंगे, टारगेट बहुत छोटा होगा, ऐसा होगा जो कि अचीवेबल होगा, और आप पूरी कोशिश करके उसको अचीव करेंगे, राइट? तो आप उसको अचीव करेंगे, जैसे ऐसे करके आप उसको अचीव करते जाएंगे, फिर आगे का टारगेट फिर हम लोग फिर सेट करते जाएंगे। तो जो टारगेट अभी आपने सेट किया है वो टारगेट आपको एटलीस्ट 3 दिन तक उसको करना है। जो लोग ऑलरेडी 2 घंटा पढ़ रहे हैं या जो लोग ऑलरेडी 3-4 घंटा पढ़ रहे हैं, वो अपने लिए थोड़ा और हाई टारगेट सेट कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं हमेशा से कहूंगा, एकदम से किसी चीज पर नहीं उसको जो है अपने आप को प्रेशराइज करना चाहिए। आप धीरे धीरे करके चीजों को करें, स्टार्ट करें। पता है सक्सेस पाने के लिए सिर्फ एक चीज जरूरी है, कंसिस्टेंसी। अगर आप कोई भी काम अगर कंसिस्टेंटली अगर करते हैं ना, बिलीव में आप सक्सेस पा जाएंगे।
मगर आप कंसिस्टेंटली नहीं करते हैं ना तो फिर नहीं पा पाएंगे। आप जब छोटे छोटे टारगेट जब अचीव करना जब डेली के जब अचीव जब कर लेंगे ना तो फिर आप एक दिन अपना बड़ा टारगेट भी अचीव कर लेंगे। राइट, सो ये अपना आज का ज्ञान हुआ। हम फिर और ज्ञान लेकर के आपके पास में जरूर से आएंगे, बट ये आज से अपने को करना है, प्रॉमिस सभी का। चलो, थैंक यू।